बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिहार के शहर सिवान में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ब्रांच का आगाज अमल में आ चुका है और अब सिवान में शाहीन बीदर का डिसिप्लिन, कल्चर, सिस्टम, पैटर्न वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए मिलेगा। मैं तमाम पेरेंट्स से ख्वाहिश करता हूँ कि इसका भरपूर फायदा उठाएं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का बिहार में दूसरा अध्ययन केंद्र जेड ए इस्लामिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय में खुलेगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का बिहार में दूसरा अध्ययन केंद्र जेड ए इस्लामिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय में खुल गया है। ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का बिहार में दूसरा अध्ययन केंद्र होगा। इसकी औपचारिक घोषणा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पत्राचार्य दूरस्थ शिक्षा शाखा के निदेशक प्रोफेसर नफीस अहमद अंसारी ने महाविद्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। इसकी अध्यक्षता महाविद्यालय के शासी निकाय के सचिव जफर अहमद गनी ने की। उन्होंने बताया कि पिछले 50 वर्षों में महाविद्यालय ने शानदार यात्रा तय की है। जेड ए इस्लामिया स्नातकोत्तर एडुकेशनल हब बनते जा रहा है। इसमें पहले से मौलाना आजाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद तथा मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना का अध्ययन केंद्र में महाविद्यालय ने शानदार यात्रा तय की। निदेशक प्रोफेसर नफीस अहमद अंसारी ने बताया कि डिप्लोमा डिग्री एवं स्नातकोत्तर स्तर के 22 तरह के कोर्स उपलब्ध हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस किस उद्देश्य से रखा गया? मैं आप सभी पत्रकार को आज के प्रेस कवरेज में इस्तकबाल है। आज मैं एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव के हैसियत से यहाँ बैठा हूँ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो पार्लियामेंट्री एक्ट में यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेलेंट के नाम से जाना जाता है ना, हिंदुस्तान के कुल 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें एक्सेलेंट का नाम पार्लियामेंट ने कहा, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है जिसकी बुनियाद एक मदरसे के तरीके से शुरू किया गया था और आज हिंदुस्तान के 100 दुनिया के लगभग 112 मुल्कों में यहाँ के स्टूडेंट ने अपने ऑर्गेनाइजेशन बनाकर अपनी पहचान वहाँ बना रखा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका हमेशा इस बात की कोशिश रही है कि जो लोग अपने पढ़ाई को आसानी से अपने एरिया में नहीं कर सकते हैं, जिसकी कई वजह हैं। एक तो वजह यह है कि वो कॉलेजेस जाने में उनको परेशानी होती है, दूसरी जो माली हालत है, जो उनकी वित्तीय कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं होती। अलीगढ़ ये दो चीज़ों पर फोकस करता है। हिंदुस्तान की वाइट यूनिवर्सिटी है जिसको रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी कहते हैं। कैंपस के अंदर 20,000 से लड़के ज़्यादा लड़के लड़कियों के रहने का इंतज़ाम है। वहाँ पर 10 गर्ल्स लड़कियों के रहने के हॉस्टल्स बने हुए हैं वहाँ पर, जो हज़ारों के तादाद में वहाँ पर रहते हैं। दूसरी बात कि यूनिवर्सिटी ने जो फीस रख रखा है, आज आप उसके वेबसाइट पर जाइए और हिंदुस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से मिलाइए तो आप देखेंगे कि वहाँ की फीस कम ही नहीं, बहुत ज़्यादा कम है। आज आपको एक बात कहना चाहते हैं कि जो आज खान पान चीज़ों पर जो महंगाई का असर आपको घरों पर दिख रहा होगा, वो हमारी यूनिवर्सिटी ने कभी अपने बच्चों पर दिखने नहीं दिया। आज कुल 33 रुपये के डाइट पे 3 टाइम का खाना हम लोग बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, सुबह नाश्ता, दोपहर खाना और रात का खाना। और हर लोग इस बात से कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन यूनिवर्सिटी का अपना निज़ाम है, अपना तरीका है जिससे इसको पूरा करें। हमारी यूनिवर्सिटी डुअल मोड में यूनिवर्सिटी कहलाती है। डुअल मोड का मतलब हुआ, एक तो वो बच्चे जो वहाँ एडमिशन लेकर रेगुलर क्लासेस करते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, दूसरा वो जो वहाँ एडमिशन उनको मिलता है लेकिन वो रेगुलर क्लासेस नहीं करते, वो डिस्टेंस मोड में है ना, दूर शिक्षा जिसको कहते हैं, ओपन डिस्टेंस लर्निंग कहते हैं, उस पर वो एडमिशन लेकर वहाँ की पढ़ाई करते हैं। ये दोनों डिग्री बराबर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यूजीसी ने अपने वेबसाइट पर यह डाल रखा है कि अगर कोई बच्चा
कोई यूनिवर्सिटी जो ड्यूअल मोड में प्रोग्राम्स चलाती है उसमें अगर वो रेगुलर मोड में भी अगर वो डिग्री हासिल करता है तो उसका वेटेज उतना ही है, चाहे वो हायर एजुकेशन में लेना चाहता है या फिर कहीं एट जॉब लेना चाहता है, इवन पब्लिक सेक्टर में भी लेना चाहता है, तो ये दोनों मोड में चाहे उसने ODL में डिस्टेंस में किया हो या रेगुलर में किया हो बिल्कुल बराबर है, कोई इसमें अंतर नहीं है। तो हमारी यूनिवर्सिटी ये दो मोड में प्रोग्राम्स चलाती है। ODL प्रोग्राम्स जो यूनिवर्सिटी चलाती है उस सेंटर का नाम सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन है, जिसका मैं वो डायरेक्टर हूँ और यूनिवर्सिटी ने ये जिम्मेदारी मुझे दे रखी है कि इस डिस्टेंस मोड के प्रोग्राम्स की वो आप चलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तान के कोने कोने तक बच्चों को इसका फ़ायदा हो। हमने अपने सेंटर्स की जो बढ़ाने का दायरा है, जो ज़्यादा ज़्यादा पहुंचने का दायरा है, उसका तरीका यह है कि हम दूसरे जो बड़े बड़े इदारे हैं हिंदुस्तान में जिसकी एक पहचान है, जो वो एक इस्टेब्लिश्ड पूरा इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनको अपने एरियाज में एक रिपोटेशन है, जिसको अच्छी इंस्टीट्यूशंस बच्चे मानते हैं, वहाँ हम अपने लर्नर सेंटर और स्टडी सेंटर बनाते हैं। ये हमारा डिस्टेंस प्रोग्राम्स 1987 से चल रहे हैं और आपको जानकर हैरत होगी कि आज के डेट तक कुल 12 स्टडी सेंटर पूरे हिंदुस्तान में हमने खोल रखा है। केरला में हमारा है, तमिलनाडु में हमारा है, कर्नाटका में हमारा है, बंगाल में हमारा है, आसाम में हमारा है, बिहार में हमारा है, यूपी में हमारा है, इन सब जगह पर सिर्फ 12। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने टाइम से चलने के बाद अगर 12 इंस्टीट्यूशंस को हमने दिया है तो हमारा किसी भी इंस्टीट्यूशंस को स्टडी सेंटर देने का कितना बड़ा रिसर्च होता होगा। तो उसके बाद ये इन सब चीज़ों को देखने के बाद, हर चीज़ को समझने के बाद, तो यूनिवर्सिटी उस इंस्टीट्यूशन से, उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से अपना MOU साइन करती है ना, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करती है, जिसका मतलब यह है कि इस यूनिवर्सिटी उस सेंटर को अपना पार्ट मानती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज को एफिलिएशन नहीं देती है, वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसमें कोई भी कॉलेजेस नहीं है, उसके अपने डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट के बिना काम कर। लेकिन डिस्टेंस मोड में उसने अपने एक्सपेंशन को बढ़ाने के लिए, लोगों तक पहुँचाने के लिए इस तरह के इंस्टीट्यूशंस से अपने एग्रीमेंट साइन करती है। आज मुझे कहते हुए बहुत हर्ष हो रही है, खुशी हो रही है कि आपके शहर के इसे ZA इस्लामिया डिग्री कॉलेज को यूनिवर्सिटी ने एक अहम इंस्टीट्यूशंस को माना, इसके काम को देखा और समझा और ये रियलाइज़ किया कि ये इंस्टीट्यूशंस काफ़ी कुछ एजुकेशन में गरीब बच्चे का खासकर एक अच्छा प्रोग्राम कर सकती। तो यूनिवर्सिटी ने यहाँ के इंस्टीट्यूशंस को अपने साथ जोड़ा और इंस्टीट्यूशंस को एक स्टडी सेंटर के नाम से डिस्टेंस प्रोग्राम्स के लिए इनसे MOU साइन किया। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस प्रोग्राम्स जो है, ये प्रोग्राम्स सिर्फ डिस्टेंस मोड में, मैंने डिस्टेंस मोड में मतलब ये होता है कि बच्चे वहाँ जाएंगे, एडमिशन लेंगे, फिर बच्चों को पढ़ने के लिए इंस्टीट्यूशंस खुद किताब लिखवाती है, वो किताब देती है, बच्चे वो किताब पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उनको कुछ परेशानी होती है तो कुछ दिन के लिए बच्चों को बुलाकर उस परेशानी को दूर करते हैं, उसके बाद बच्चे सिर्फ एग्ज़ाम देने आते हैं, क्लास करने के लिए नहीं आते हैं। तो ये हो गए। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले 2 साल पहले 2020 में ये डिसाइड किया कि हम ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी चलाएंगे, जो हिंदुस्तान में पहले नहीं चलता था। पहली बार उन्होंने ऑनलाइन प्रोग्राम्स का मतलब बच्चा जहां बैठा है वहीं से एडमिशन ले लेगा, जहां बच्चा बैठा है वहीं से टीचर से कांटेक्ट में आकर अपने जो प्रॉब्लम्स हैं अपने पढ़ाई का, उसको इसके बारे में सवाल पूछ सकता है, उसको हल समझ कर सकता है, जहां बच्चा है वहीं से वो एग्ज़ाम दे सकता है, अपने कंप्यूटर से, अपने मोबाइल से वहां पर वो एग्ज़ाम दे सकता है और बाकी चीज़ें यूनिवर्सिटी उसके रिजल्ट निकालेंगे, डिग्री देगी, मार्कशीट देगी। तो ये प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 साल पहले 1920 में शुरू किया, जिसको UGC रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन एंड डिस्टेंस प्रोग्राम 2020 कहते हैं।
और गवर्नमेंट ने उसमें 14 कोर्सेज की परमिशन दी कि किसी इंस्टीट्यूशंस को मैक्सिमम 14 कोर्सेज चलाने के फिलहाल हम देंगे, क्योंकि नई चीज़ है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर उनको तैयार करना होगा, बच्चों को भी उनसे समझना होगा, इसीलिए वो ज़्यादा ओपन नहीं किया। आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहली यूनिवर्सिटी थी जिसको हिंदुस्तान में मैक्सिमम जितना सीलिंग गवर्नमेंट ने दिया उतनी सीट इस गवर्नमेंट ने उनको दिया कि आप इतने कोर्सेज चला सकते हैं। यानी कि डिस्टेंस के अलावा ऑनलाइन प्रोग्राम्स में हमारे पास 14 कोर्सेज भी हैं, है ना, 14 सेंटर फॉर डिस्टेंस जो हमारा पहले मैंने कहा, और ऑनलाइन प्रोग्राम, है ना, CDOE के नाम से जाता है ये, सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन। इस इंस्टीट्यूशंस को इसी सेशन से ऑडियल प्रोग्राम्स के लिए, चाहे वो प्लस टू के प्रोग्राम्स हों या फिर डिप्लोमास के प्रोग्राम्स हों, उनको शुरू करने का यूनिवर्सिटी ने परमिशन दिया है। ऑनलाइन प्रोग्राम्स के लिए ये यहाँ पर अपने ऑनलाइन इक्विपमेंट के थ्रू जो बच्चे असिस्टेंस लेना चाहते हैं उसमें भी वो एडमिशन लेने में उनकी मदद करेंगे। सर, तो क्या कुछ है सर इसमें, किस तरह का पढ़ाई होगा, क्या होगा, कैसे क्या? वो तो यूनिवर्सिटी का जो गाइडलाइन होगा, UGC का जो गाइडलाइन है, उसी गाइडलाइन को पूरी तरह से हम फॉलो करेंगे। हो रही है, क्या कुछ कहेंगे, कितने दिनों से इसके लिए आप सभी प्रयास कर रहे थे? हम लोग पिछले 1.5 साल से इसके लिए प्रयास कर रहे थे। हमने विधिवत रूप से इंस्टीट्यूट का जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में अप्लाई किया। वहाँ एवोल्यूशन के बाद तमाम देख लेने के बाद वहाँ एक टीम का गठन हुआ, वो टीम हमारे कॉलेज को विजिट की। आज जब विजिट की तो उसके बाद हम लोगों ने जो भी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर था उन लोगों को एक 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 करके दिखाया। लोग काफ़ी खुश हुए, जिसमें हमारे डायरेक्टर साहब का हमारे साथ विशेष सहयोग रहा, और इनकी कोशिश से आज सीवान में, एक मान लीजिए कि पूर्णिया में है, किशनगंज में है, तो बिहार के दूसरे छोर पर जेड इस्लामिया में ये सारे कोर्स आए हैं। हमने ये तमाम कोर्सेज इसलिए लिए कि कम से कम हम लोगों के परमंडल के लोगों को इससे लाभ मिल सके, और जेड इस्लामिया कॉलेज आपके ज़िला का वाहिद कॉलेज है, खाली ज़िला का नहीं पूरे यूनिवर्सिटी का वाहिद कॉलेज है जो NAC से B ग्रेड हासिल कर चुका है। तो ऐसी हालत में हम ये उम्मीद करेंगे कि इस इलाके के लोगों को इससे फ़ायदा होगा, और हमारा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो माना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके लिए हमको किसी सनद की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी NAC ने हमको ये सनद दे रखा है। तो सर चला रहे हैं, डिस्टेंस मोड में भी चला रहे हैं। जैसे मौलाना आज़ाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हैदराबाद, उसका पिछले 10 साल से ज़्यादा से यहाँ स्टडी सेंटर है। फिर कंप्यूटर के क्षेत्र में या और क्षेत्र में मौलाना मजदुल्लक इंस्टीट्यूट से रेगुलर कोर्सेज हमारे यहाँ चल रहे हैं, क्योंकि बहुत ही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है। इस पूरे परमंडल के लोगों से, JP इंस्टीट्यूट के जुरिडिक्शन के तमाम लोगों से हम ये अपील करेंगे कि वो जिस निगाह से, जिस उम्मीद से इस कॉलेज को देखते हैं, हम उसे पूरा करेंगे और उनको किसी तरह की निराशा नहीं होगी। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के साथ करें जॉब ओरिएंटेड कोर्स, BTech, पॉलिटेक्निक, होटल मैनेजमेंट सहित अन्य प्रोफेशनल कोर्स। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें एनराज एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, आंधरढाला ओवरब्रिज के नीचे सिवान।